वर्कआउट ट्रेनर जय माता दी। तो आज है हमारा डे 14 और डे 14 में अगेन अपने लैग्स को और ग्लूट्स को लेकर आई हूँ, कुछ पुराने कुछ नई एक्सरसाइज ऐड करके। तो पहले आप रेगुलर वार्म अप कर लें जो मैंने डे 1 डे 2 में ऑलरेडी सिखाया है, उसके बाद थोड़ा सा दो एक्सरसाइज कार्डियो की और उसके बाद चार एक्सरसाइज हम अपने हिप्स की, ग्लूट्स की, थाइस की करेंगे और उसके हम 3 सेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम सबसे पहले वार्म अप में करेंगे स्टार्ट जॉगिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो मैंने आपको पहले भी बोला है ये स्टैंडिंग जॉगिंग जो होती है ये आप दिन में कभी भी किसी भी टाइम घर में कर सकते हैं, किसी भी टाइम। खड़े हैं, खड़े खड़े कर लिया ऐसे, बहुत अच्छा वर्कआउट है। खड़े खड़े कैलोरीज बर्न हो रही है, थाइस का ग्लूट्स का अच्छा वर्कआउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हाई नीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, तो ये दो एक्सरसाइज हमने पहले करी हैं। इसके बाद आप एक मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और जो जो मैंने वर्कआउट आपको पहले भी सिखाए हैं, ये वाला, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले डे 1 डे 2 में, आप वहां से देख के कर ले। जो नए हैं वो डे 1 से ही स्टार्ट करें, बीच में से स्टार्ट ना करें, क्योंकि मैंने सिखाया है कैसे आपको वर्कआउट करना है, किस टाइप से आपको वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं बट ब्रिज, जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार सिखाए हैं। तो आज हम 15 बट ब्रिज करेंगे पहले सेट में। 1, लेग को पास में रखें, 2, और ऐसे ना करें जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो हमने किए पहले सेट की पहली एक्सरसाइज बट ब्रिज। तो मैं आज आपको दूसरी एक्सरसाइज सिखाती हूँ लंजेस। लंजेस क्या होते हैं, बेसिकली यहां से यहां तक का पूरा इसको कवर करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 5-5 लंजेस कराऊंगी, उसके बाद आप आपको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो लंजेस कैसे करते हैं, हाथ रखे यहां, अपनी लेग को आगे लेके जाना है ऐसे, ठीक है, कैसे, यहां से 1, दूसरी लेग 2, 3, 4, 5. अगर आप बैलेंस नहीं बना सकते हैं तो बॉल का सहारा ले लें ऐसे, 6, 7, 8, 9 और ये 10. ये बहुत अच्छा वर्कआउट है आपके हिप्स के लिए, थाइस के लिए। लैग वर्कआउट करने के बाद बहुत पेन होता है यहाँ पर, मैंने पहले भी बताया है आपको, जो बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो हमने बट ब्रिज किया, लंजेस किया। लंजेस धीरे धीरे आप सीखेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ आज आपको 10 कराए हैं, 5 इस लेग के और 5 इस लेग के। उसके बाद अगेन स्क्वाट्स जो मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, लेग्स को ओपन करें वाइड में, हाथों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 बट ब्रिज, 10 लंजेस, 10 स्क्वाट्स। और अब आग करते हैं हम डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट जो होती है वो कई तरीके से होती है, आप बारबेल से, डंबल से, वेट्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेडलिफ्ट सीखेंगे बिना डंबल के, मैं साइड से सिखाती हूँ। माना कि आपने कोई वेट लिया हुआ है, ठीक है, माना आपने कोई वेट लिया हुआ है ऐसे, ऐसे कोई वेट पकड़ा हुआ है, हैंड को ऐसे करें, ठीक है,
और ये हल्का सा पीछे करें ऐसे वन। आपके ऐसे रहना, पोजीशन देख रहे हैं, ये पोजीशन ये रहना चाहिए। यहां पर आपको बहुत स्ट्रेच फील होगा, टू पूरा नीचे तक ले जाए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। मेरी पोजीशन फिर देखें आप, मेरी पोजीशन क्या है, और यहां पर बहुत स्ट्रेच फील करेंगे आप सारे में यहां पर। तो ये थी हमारी डेडलिफ्ट। तो पहले क्या, बट ब्रिज, लंजेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट। मैं एक और सेट करती हूँ, ठीक है, आप फिर से सीखें मैं क्या सिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पर एक मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो कंसिस्टेंट करना चाहते हैं कंसिस्टेंट कर सकते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, बट ब्रिज। पहले राउंड में हमने 15 किए थे, अब 10 करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो 10 बट ब्रिज, उसके बाद दोबारा हम लंजेस करेंगे। दोबारा देखें, जो दीवार से करना चाहते हैं, अभी वॉल से करना चाहते हैं, वॉल से कैसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो हमने अगेन 10 लंजेस किए, बट ब्रिज किए, स्क्वाट। अब मैं पहले मैंने फ्रंट से दिखाया, अब मैं साइड से दिखाती हूँ ताकि आपको पोजीशन का पता चले। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, 10 स्क्वाट्स। अभी मैंने डेडलिफ्ट पहले साइड से दिखाई थी, अब मैं आपको फ्रंट से डेडलिफ्ट दिखाती हूँ। लेग्स को स्क्वाट की तरह ओपन कर ले, हाथों को ले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। और डाइट का ध्यान रखें, मैंने जो डाइट चार्ट आपको दिया था वीक वन के लिए, बहुत अच्छा डाइट चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ भी गए होंगे आपको कैसे पूरा मंथ में डाइट को प्लान करना है। और नवरात्रों का डाइट प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ नवरात्रों के लिए। तो हमारे यहाँ दो सेट कंप्लीट होते हैं, तीसरा सेट करना चाहेंगे आप कि नहीं, ठीक है। अब मैंने दो सेट करे हैं यहाँ पर, आप करना चाहे तीन, करना चाहे चार सेट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दो सेट करके दिखाए हैं, मैं अभी इसलिए कम करके दिखा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं लंजेस दोबारा लेकर आऊंगी, अभी मैंने 10 ली है, मैं 20-20 लंजेस भी लेकर आऊंगी। तो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ में कार्डियो करें, दोनों टाइम वर्कआउट करें। बाय बाय।